हेलो एवरीवन, बहुत सी लड़कियों का एक क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है कि मैडम हमने अनवांटेड 72 ली है या फिर आई पिल हमने ली है, तो उसके बाद हमारा पीरियड कब आएगा? हमारी जो ड्यू डेट है वो भी निकल गई है, यानी कि जो पीरियड की डेट थी वो भी निकल गई है। 3-4 दिन बीत गए हैं, अभी तक हमारा पीरियड नहीं आया है, तो हमारा पीरियड कब आएगा? यही बताने के लिए यह वीडियो मैंने बनाई है। लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहें हमारे इस वीडियो में। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और बेल आइकन को भी हिट करके ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि हमारे सारे वीडियोज़ के, आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, आपसे वीडियो मिस ना हो। तो चलिए टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं कि आपका पीरियड कब आता है। देखिए, अनवांटेड 72 हो या फिर आई पिल हो, इसको खाने के बाद आपके पीरियड जो है वो इरेगुलर हो जाते हैं, यानी कि आपके पीरियड जल्दी भी आ सकते हैं, एक हफ्ते पहले आपकी जो डेट थी उससे एक हफ्ते पहले, और या एक हफ्ते बाद भी आ सकते हैं। ज़्यादातर ये देखा गया है कि एक हफ्ते बाद ही आपके पीरियड आते हैं, यानी कि एक हफ्ते लेट होके ही आपके पीरियड आएंगे। तो इसमें काफ़ी हाई डोज हार्मोन के होने के कारण ये आपकी पीरियड को इरेगुलर कर देती है। तो इस आपकी पीरियड, आपकी ज़रूरी नहीं है कि जो ड्यू डेट है, जो पीरियड की ड्यू डेट है उस पे ही आएंगे, आपकी जो पीरियड का डेट है नेक्स्ट मंथ उस पे ही आएंगे। ऐसा पीरियड जो है एक हफ्ते लेट भी आ सकते हैं या फिर पीरियड की डेट से एक हफ्ते पहले भी आ सकते हैं। मोस्टली देखा गया है, जैसे मैंने बताया कि आपकी पीरियड डेट है उससे एक हफ्ते बाद भी आ सकते हैं। तो बार बार आप लोग यही क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मैडम हमारी जो पीरियड की ड्यू डेट थी वो भी निकल गई है, हमारे पीरियड कब आएंगे, क्या हम प्रेग्नेंट तो नहीं है, इस टैबलेट ने अच्छे से काम किया है या नहीं किया है। एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब आपकी ड्यू डेट निकल जाती है, यानी कि पीरियड्स की तारीख आपकी निकल जाती है, उससे अगले दिन आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं घर पे। अगर उस पर एक लाइन हल्की आ रही है तो आप दोबारा से एक हफ्ते बाद रिपीट कर लीजिए, और नेगेटिव भी रिजल्ट आ रहा है तो एक हफ्ते बाद फिर से रिपीट करिए, उस पर आपको पक्का कंफर्म हो जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। अगर हल्की लाइन आ रही थी तो डार्क लाइन हो जाएगी अगर आप सच में प्रेग्नेंट होंगी तो, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं होंगी तो वहाँ पर आपको नेगेटिव शो करेगा, क्योंकि जब आपकी डेट मिस हो जाती है उससे एक हफ्ते बाद आपका रिजल्ट जो है एकदम क्लियर आपको देखने को मिल सकता है। तो इस टाइम पे अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकती हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। इरेगुलर इसमें पीरियड हो जाती है, आपकी एक हफ्ते लेट आ सकती है, और पीरियड में जो ब्लीडिंग है वो ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, यानी कि जैसा आपको पहले पीरियड के दौरान जब भी आपको पीरियड होती थी जो ब्लीडिंग होता था वो जैसे भी होता था उस तरीके से नहीं होगा, थोड़ा अलग होगा, या तो आपको हैवी ब्लीडिंग हो सकता है, ज़्यादातर लेडीज़ों को हैवी ब्लीडिंग देखने को मिलता है, या फिर जो पीरियड आपको पहले होते थे जितनी ब्लीडिंग होती थी उससे कम भी ब्लीडिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो दोनों ही चीज़ें कॉमन है इसमें, क्योंकि ये अनवांटेड किट का ही साइड इफ़ेक्ट होता है, तो इसमें घबराना नहीं है। आपकी एक दो महीने पीरियड आपकी इरेगुलर हो सकती हैं, इसी तरीके से आ सकती है, और आपकी जो पीरियड डेट थी हमेशा से जो डेट चल रही थी उस पर पीरियड आती थी, तो वो डेट भी आपकी चेंज हो सकती है। आज आपकी डेट हमेशा के लिए, अनवांटेड 72 लेने के बाद आपकी डेट हमेशा के लिए चेंज भी हो सकती है, तो ये चीज़ें इसमें कॉमन है, तो इसमें घबराना नहीं है। ये सब आपके अनवांटेड 72 के ही साइड इफ़ेक्ट हैं, क्योंकि सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट इसका पीरियड पे ही होता है, पीरियड आपके इरेगुलर हो जाते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपकी मदद हुई होगी। लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन हमारे सारे वीडियोस के आपको मिलते रहें। और भी कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो नीचे हमें कमेंट में लिखिए। इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी अपने सवाल हमसे कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।